उज्जैन में सर्वधर्म सोसाइटी द्वारा शादी सम्मेलन का आयोजन किया गया। बेगमबाग कॉलोनी में सामूहिक विवाह सम्मेलन में 15 जोड़ों की शादी की गई। इनमें एक ही मंच पर 12 जोड़ों का निकाह पढ़ाया गया तथा 3 जोड़ों के फेरे कराए गए। हजौर तीर्थ के लिए लकी ड्रॉ सोसाइटी द्वारा करवाया गया। उज्जैन में सर्वधर्म मददगार सोसाइटी की द्वारा विवाह और निकाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। विवाह के पूर्व सभी दुल्हन को हल्दी की रस्म अदायगी कराई गई थी। इस दौरान पूरे पांडाल को शादी की तर्ज पर सजाया गया। वार्ड क्रमांक 30 के पार्षद मोहम्मद फारूक बड़ा राजू और सर्वधर्म मददगार सोसाइटी द्वारा दूसरे वर्ष में सामूहिक शादी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 15 जोड़ों की सामूहिक शादी कराई गई, जिसमें से मुस्लिम समाज के 12 जोड़ों का निकाह काजी द्वारा पढ़ा गया तथा 3 जोड़े के फेरे कराए गए। विवाह सम्मेलन में शहर काजी खलीकुर रहमान और कार्यकर्ताओं का सम्मान शाल ओढ़कर किया गया। शादी समारोह में कॉलोनी से बड़ी संख्या में मुस्लिम और हिंदू समाज के लोग शामिल हुए। सर्वधर्म मददगार सोसाइटी द्वारा 15 जोड़ों को दहेज के रूप में घर गृहस्थी का सामान दिया गया। बेगमबाग के पार्षद और सर्वधर्म मददगार सोसाइटी ने बताया कि आज भगवान अल्लाह और परवरदिगार ने मेरा सपना पूरा किया है। सोसाइटी के खर्चे पर मुस्लिम समाज के एक जोड़े को लक्की ड्रॉ निकाल कर उम्रे पर भेजा जाएगा और हिंदू समाज के एक जोड़े को तीर्थ करने के लिए भेजा जाएगा। आज बहनों को और भाइयों को सबको इकट्ठा करके उनके भाइयों के बहनों और भाइयों के फेरे कराए गए और मुस्लिम भाइयों के निके कराए गए। 12 बच्चों के निके हुए हैं आज और 3 बच्चों के फेरे हुए। आप तमाम लोगों का इस मंच और ये मेरे जीवन का बहुत ही बहुत मेरा सपना था मेरे जीवन का ही। परवरदिगार ने, मालिक ने, खुदा ने, भगवान ने मेरा ये सपना आज पूरा कर दिया। हमारे साथ के कुछ सहयोगी भाइयों ने एक जोड़े का निकाह होने के बाद उनका एक डेरा खोला गया। डेरा खोल के ने उसमें जिन बच्चों के नाम आए, एक राजा नाम का लड़का है और लड़की का जो भी नाम हो थोड़ा इनको उम्रे पे भेजा जाएगा। और एक बच्ची को पूजा नाम की एक लड़की है उसको तीरथ पे भेजेंगे। सर ये घर पे जो शादी करते हैं अपन उसमें इतना एंजॉयमेंट नहीं मिलता है। पहली बात तो ये सामूहिक विवाह है जिसमें सर्वधर्म समिति के द्वारा ये किया गया है जिसमें मोमेडियन पक्ष भी है और हिंदू पक्ष भी है। और मैं खुद अपने आप को खुश नसीब समझूंगा क्योंकि इन दोनों मतलब जितने अच्छे अपने शहर काजी साहब और हमारे गुरु भी आए, इन दोनों ने निकाह भी करवाया, एक तरफ फेरे करवाए और जब एक जो कॉम्बिनेशन बना मतलब बिल्कुल सर्वसहमति के साथ में पूरा निकाह और विवाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ। बहुत ही अच्छा लगा और मैं गुजारिश करूँगा कि यदि घर में भी करते हैं अपन कार्यक्रम और यहाँ तो यहाँ का एक जो वातावरण एक बना माहौल वो बहुत ही काबिले तारीफ हुआ। मैं शादी करके बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा जीवन साथी मेरे जीवन साथी मैंने खुद चुना है। मेरे मम्मी पापा और मेरी खुद की राजीव मंदिर से मेरी शादी हुई है और मैं चाहती हूँ कि सारी लड़कियाँ को अपने जीवन साथी को चुनने का हर एक लड़कियों को हक होना चाहिए और उससे ज़्यादा उनको उनके ससुराल से ये उम्मीद होती है कि वो आगे जिनको पढ़ना चाहती है उन्हें आगे भी पढ़ाए। दोनों बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ये ऐसा हर किसी को नसीब में नहीं होता है और हर जगह देखने को नहीं मिलता है। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हर जगह मैंने जैसा हिंदू मतलब हमारे हिंदू में जो शादी होती है वो तो हर जगह होती है लेकिन ऐसा हर कहीं देखने को नहीं मिलता है। हाँ यहाँ पर 12 जोड़ों का निकाह हुआ है और 3 हिंदुओं का विवाह भी हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।